यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वायर है एचडी कोयल लेफ्ट साइड का जो आया है उसमें लगाए हैं एक वायर को, ठीक है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू मोड पे है, इस साइड लगाओ, देखिए यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद ये बी बाज रहा है जो कि इसका एचडी कोयल का जो वायर है, ये वाला एचडी कोयल का वायर है, कहीं पर कटा हुआ नहीं है इसलिए बीप बाज रहा है। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ, देखिए बीप बाज रहा है, निकालो उसको, ठीक है। ये दो वायर हो गया, उसके बाद मैं आपको पिकअप कॉल का वायर को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, पिकअप कॉल का जो रीडिंग कितना आ रहा है वो पहले चेक करते हैं अभी, ठीक है। दोनों वायर तो हो गया, अभी पिकअप कॉल का वायर को चेक करते हैं, आपको रीडिंग दिखाते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आप लोग देख सकते हैं ये बजाज पल्सर 160 जो कि NS है। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए NS 160 लिखा हुआ है और इस बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आ गया है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इग्निशन मैं ऑन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन हो गया अभी, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि करंट नहीं आ रहा है। और इसका फ्यूज स्विच भी देखिए ऑन है अभी, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करंट आ रहा है कि नहीं। अभी इसका स्पार्क प्लग भी मैं निकाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला स्पार्क प्लग निकल चुका है और इसका करंट नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करंट आ रहा है कि नहीं, और अगर इसका CDI कॉइल ख़राब है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं सेल बटन दबा रहा हूँ, देखिए करंट नहीं आ रहा है, देखिए करंट नहीं आ रहा है, देखिए करंट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं ये करंट नहीं आ रहा है। और इस साइड का भी करंट आ रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सब कुछ ऑन है और करंट नहीं आ रहा है। इस साइड का भी जो इग्निशन कॉइल का हुआ है उसको निकाल चुका है, जो प्लग कैप है इसको अलग कर दिए हैं। चलिए मैं देखिए सेल बटन दबाऊंगा, अभी दोनों तरफ ही करंट नहीं आ रहा है, देखिए मैं सेल बटन दबा रहा हूँ अभी, अब देख सकते हैं करंट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर करंट नहीं आएगा तो आप कैसे चेक कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। पहले इसका टैंक को ओपन करते हैं कि वो अलग कर देते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं दोस्तों, और यहां पे आप ये CDI है इसका, तो आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक कितना, यहां पे 6 वायर लगा हुआ है और कौन कौन सा वायर में करंट आता है, कौन सा ग्राउंड है और कौन सा पिकअप कॉइल का तार है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले इसका जो टैंक का कवर है उसको अलग कर देते हैं, साइड पर रखो। तो यहाँ पे है एचडी कॉइल, आप देख सकते हैं इस जगह पे लगा हुआ है एचडी कॉइल, और एक एचडी कॉइल इस साइड लगा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ राइट साइड का, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। इसमें डुअल इग्निशन रहता है जो कि इग्निशन कॉइल डुअल रहता है, आप देख सकते हैं। जो कोई भी बजाज का बाइक रहता है जो कि पल्सर का, तो पल्सर वेरियंट का, उसका डुअल इग्निशन कॉइल रहता है, आप देख सकते हैं डुअल स्पार्क प्लग लगता है, ये डुअल इग्निशन कॉइल है, दोनों तरफ ही नहीं आ रहा है करंट। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्टेप बाई स्टेप चेक करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है। उससे पहले मैं चाबी का ऑफ कर दिया हूँ अभी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको चेक कैसे करना है। इसका जो सॉकेट है आप देख सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 वायर दिख रहा होगा टोटल, ठीक है। लेकिन आपको ये जो नीला कलर का जो है, नीला पे वाइट जो है, दोनों वायर में लगाना है एक पार्किंग लैम्प, ठीक है। और उसके बाद किक लगाना है तो यहाँ पर होल्ड आना चाहिए जो कि लाइट जलना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ यहाँ पे जलता है कि नहीं, ठीक है। पार्किंग लैम्प लगा के स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पार्किंग लैम्प जलना चाहिए, यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं मैग्नेट से वो मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। ये मैग्नेट से आता है वायर, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो आया है ऐसे करके, ये आया है RR यूनिट पर, आप देख सकते हैं ये जो सॉकेट लगा हुआ है RR यूनिट कॉल, ये है RR यूनिट पर आया है ये, और RR यूनिट पर भी 2 वायर है इसका, आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये कलर का, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 4 वायर है RR यूनिट पर। तो यहाँ चले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पार्किंग लैम्प लगाओ, अब इस साइड से भी लगा सकते हो और इस साइड से भी लगा सकते हो, इस साइड से जो वायर दिख रहा है इस साइड से भी आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो मैं अभी इस साइड से लगा देता हूँ, लगाओ, देखिए यहाँ पे दोनों वायर में लगा चुका हूँ पार्किंग लैम्प का, आप देख सकते हैं ये वाला पार्किंग बल्ब का लगाया है इसमें 2 वायर में, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ, देखिए लगा हुआ है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, इस साइड चाबी को ऑन करना है, ठीक है। देखिए मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, चाबी मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन हो गया चाबी। उसके बाद इसको किक लगाएंगे, जैसे किक लगाएंगे या सेल्फ लगाएंगे, देखिए मैं सेल्फ बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर पार्किंग लैम्प जलना चाहिए, ठीक है।
जब जलेगा पार्किंग लैंप तो एक मैग्नेट कॉइल से करंट आ रहा है, मान लेना है कि मैग्नेट कॉइल ठीक है इसका, ठीक है। देखिए मैं आपको, देखिए लाइट जल रहा है, लैंप जल रहा है, आप देख सकते हैं। फिर से मैं सेल बटन दबा रहा हूँ, यहाँ तक करंट आ रहा है जो कि इसका सही है। अभी जो मैग्नेट कॉइल है, इसका जो मैग्नेट कॉइल है ये सही है, इस मैग्नेट कॉइल इसके अंदर जो है ये सही है, मैग्नेट कॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आपको फिर से चेक करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से चेक करना है। यहाँ पे टोटल 6 वायर है, ठीक है, यहाँ पे 6 वायर है टोटल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वायर किस चीज़ में काम आता है, क्या क्या काम आता है, ठीक है। तो इससे पहले क्या करना है, इसका जो क्लिप है इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको निकालो। तो ये CDI निकल चुका है, आप देख सकते हैं, जो CDI कॉइल है मैं इसको अलग कर चुका हूँ, ओपन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 6 पिन लगा हुआ है, देखिए इसमें 6 पिन रहता है, तो ठीक है 6 पिन वाला है, तो इसको साइड पे रखते हैं, ठीक है, मैं साइड पे रख दिया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 6 वायर वाला इसमें रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको चेक कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है साइड। उससे पहले मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को बीप मोड पे रखा हूँ, क्वांटिटेटिव मोड पर, आप देख सकते हैं ये जो कि इसको चेक करेंगे हम लोग। यहाँ से जो वायर है आप देख सकते हैं, ब्लैक पे जो रेड वाला है जो कि यहाँ पे SD कॉल पे जो आया है ये वाला तार, तो बीच में कहीं कटा है कि नहीं, इसलिए मैं मुझे चेक करना है बीच में कटा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को क्वांटिटेटिव मोड पे रखना है, बीच मीप मोड पे रखना है। चलिए दोनों वायर को टच करो, देखिए अभी बीप का साउंड आ रहा है, ठीक है, अलग करो। यहाँ पे जो ब्लैक पे जो रेड कलर का वायर है ये SD कॉइल पे गया है, तो मैं कंटिन्यूटी मोड पे रखा हूँ, बीप मोड पे रखा हूँ, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे एक वायर को लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, लगाओ, देखिए मैं जैसे लगाया हूँ, ये जो मल्टीमीटर है यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे एक वायर को लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाओ, ये जो ब्लैक पे जो रेड वाला है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगाओ, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वांटिटी आया है बीप बज रहा है, ठीक है, जो कि ये वायर है बीच में कहीं पे कटा हुआ नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वायर एक लगाया हूँ, इस जगह पे वायर मैं लगाया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक पे रेड में वायर है उसमें लगाया है, क्वांटिटी बज रहा है, जो कि इसका जो SD कॉइल का जो कनेक्शन है ये बीच में कहीं पे कटा हुआ नहीं है। चलिए उसके बाद और एक वायर को चेक करते हैं, ये जो ब्लैक वायर है उसमें चेक करते हैं, ठीक है, लगाओ, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वायर है SD कॉइल लेफ्ट साइड का जो आया है उसमें लगाए हैं एक वायर को, ठीक है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू मोड पे है, इस साइड लगाओ, देखिए यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद ये बीप बज रहा है जो कि इसका SD कॉइल का जो वायर है, ये वाला SD कॉइल का वायर है, कहीं पे कटा हुआ नहीं है इसलिए बीप बज रहा है। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ, देखिए बीप बज रहा है, निकालो उसको, ठीक है, ये 2 वायर हो गया। उसके बाद मैं आपको पिकअप कॉइल का वायर को दिखाते हैं, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, पिकअप कॉइल का जो रीडिंग कितना आ रहा है वो पहले चेक करते हैं अभी, ठीक है, दोनों वायर तो हो गया, अभी पिकअप कॉइल का वायर को चेक करते हैं, आपको रीडिंग दिखाते हैं। देखिए ये जो कि व्हाइट पे जो रेड वाला वायर है इसमें हम लोग लगाए हैं, आप देख सकते हैं व्हाइट पे जो रेड है ये वाला वायर है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से, देखिए ये व्हाइट पे जो रेड है ये पिकअप कॉइल का वायर हो गया, ठीक है। तो पिकअप कॉइल का चेक करने के लिए रीडिंग, चलिए मैं आपको रखा हूँ कंटिन्यूटी मोड पे, रखा हूँ बीप मोड पे, यहाँ पे रखो, देखिए इसका रीडिंग आ रहा है, इसका रीडिंग सही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं इसका आ रहा है, रीडिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं 216 आ रहा है, जो कि 216 आ रहा है, आप देख सकते हैं ये आ रहा है, यहाँ पे मैं लगाया हूँ, ये सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ग्राउंड चेक करना है, ये वाला वायर, ठीक है, जो कि ब्लैक पे येलो कलर का जो है, आप देख सकते हैं ये ब्लैक पे येलो कलर का लगाओ उसमें, आप देख सकते हैं जो कि ये येलो कलर का वायर, ठीक है, जो ब्लैक पे येलो कलर का वायर है आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें लगाए हैं, ये जो कि इसका ग्राउंड है, ठीक है, इसको लगाना है यहाँ पे, लगाओ। उसके बाद बीप बजना चाहिए, आप देख सकते हैं बीप बज रहा है। ये जितना भी मैं आपको बताया हूँ चेक करने के लिए, सारे कंटिन्यू मोड पर रख के ही चेक करना है, ठीक है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू मोड पर रखा हूँ, कंटिन्यूटी मोड पर रख के ही आपको चेक करना है, आप देख सकते हैं मैं कंटिन्यू मोड पर रखा हूँ और ये बीप बज रहा है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं
जो कि ब्लैक पे येलो कलर का जो वायर है यहाँ का, अब देख सकते हैं ये वाला, इसमें लगाना है आपको, चेक करना है ये ग्राउंड सही है इसका, ठीक है निकालो। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ उसका वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ग्राउंड भी हो गया, सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन आपको अभी मैं वोल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला जो कि ये आप देख सकते हैं रेड पे ग्रे कलर का, ठीक है, रेड पे जो ग्रे कलर का, इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है जो कि चाबी को ऑन करके किल स्विच को ऑन करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है जैसे चाबी ऑन करोगे और किल स्विच को नीचे करोगे, उसके बाद वहाँ पे वोल्ट आएगा दोस्तों, जो कि रेड कलर में जो हुआ रेड पे जो ग्रे है उसमें वोल्ट आएगा 12 वोल्ट का, ठीक है। चलिए ये सब कुछ ठीक है, यहाँ किल स्विच ऑन है, चाबी मैं ऑन नहीं किया हूँ। उसके बाद मल्टीमीटर का कनेक्शन को क्या करना है, डीसी 20 वोल्ट पे रखना है। देखिए डीसी 20 वोल्ट पे मैं रखा हूँ, आप देख सकते हैं डीसी 20 वोल्ट पे मैं रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं रेड पे जो ग्रे कलर का वायर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रेड पे जो ग्रे कलर का वायर है इसमें लगाया है। अभी एक ग्राउंड दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड दो यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड दिए हैं। तो अभी चाबी ऑन नहीं किए हैं, देखिए मैं ऑन करूँगा तो वहाँ पर वोल्ट दिखाएगा, शो करेगा, देखिए ऑन हो गया है और यहाँ पे वोल्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 11.84 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको अप कर दूंगा किल स्विच को, इसका वोल्ट चला जाएगा, देखिए मैं अप कर दिया, यहाँ पे चला गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चला गया। जैसे ही मैं फिर से ऑन करूँगा किल स्विच को तो आ जाएगा, देखिए ऑन हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर सब कुछ सही है और उसके बाद भी करेंट अगर नहीं आ रहा है, ये सारे चेक करने के बाद भी नहीं काम कर रहा है या सी डी आई कॉल नहीं काम कर रहा है, तो इसका सी डी आई को चेंज करना है दोस्तों, आपको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा। वैसे इसको चेंज कर सकते हो, नया वाला लगा सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको और एक वायर का जानकारी बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक वायर बचा हुआ है, ये जो व्हाइट पे ब्लैक कलर का जो है टी पी एस सेंसर का है, ठीक है, ये वाला, इसका जो व्हाइट पे जो ब्लैक कलर का वायर है इसका वायर कहाँ गया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आया है दोस्तों, ठीक है, ये जो सेंसर है यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं ये वाला जो सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आता है जो ब्लॉक में लगा हुआ है, ठीक है, इसको कोई टी पी एस सेंसर में जाता है, कोई कोई इसमें आता है, तो इसमें आया है, आप देख सकते हैं, चलिए इसमें आता है दोस्तों, आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। उसके बाद भी अगर नहीं काम कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसका जो सी डी आई है सी डी आई को रिप्लेस करना है, ठीक है, बदलना है। इसका सब कुछ ठीक है, मैं आपको बता दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सी डी आई चेंज करेंगे, उसके बाद करंट आ जाएगा दोस्तों। मैं आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दिया यहाँ पे कैसे करंट आता है, क्या है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अभी क्या करेंगे, इसका जो सी डी आई का प्राइस क्या है, चलिए मैं आपको दिखाऊँगा, और उसको नया वाला सी डी आई लेके आते हैं और लगा के आप फिट करके मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सी डी आई लगा के दिखाते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं बाइक। आप देख सकते हैं दोस्तों ये भैरक कंपनी का मैं सी डी आई कॉल लेके आया हूँ, जो कि बाइक के साथ भी आता है, वो भी भैरक कंपनी का ही रहता है, आप देख सकते हैं। और इसका पार्ट नंबर क्या है वो भी मैं आप लोग को मैच करके दिखाऊंगा, इसका प्राइस भी क्या है वो भी मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। 948 रुपीज़ इसका प्रिंट रेट है, और ये पुराना वाला आप देख सकते हैं, और इसका यहाँ पर लिखा हुआ है JE 44, लास्ट का आपको देखना है, देखिए फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है JE लिखा हुआ है, लास्ट में जो कि 44 इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। और नया वाला का पार्ट नंबर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, मैच करूंगा, लेकिन एक पॉइंट अलग है उसका, लेकिन इसका नाम से है लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए CDI पल्सर JE 43 लिखा हुआ है, लेकिन 44 का मुझे नहीं मिला, तो ये 43 का है, ये भी लग जाएगा इसमें। और इसका लिखा हुआ है जो कि इसके नाम से है, जो NS के नाम से है, ये लग जाएगा, दोनों सेम है, लेकिन इसका पुराना वाला जो लगा था कंपनी वाला उसका पार्ट नंबर अलग था, 44 है, और इसका पार्ट नंबर जो है 43 है, JE 43 है, ठीक है। तो मैं लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये नया वाला। और उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ऑन कर चुका हूँ चाबी, आप देख सकते हैं, और इसका करंट आ रहा है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये नया वाला लग चुका है, पुराना वाला साइड पर है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका करंट आ रहा है कि नहीं, वो भी मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। पुराना वाला करंट नहीं आ रहा था, चलिए सेल्फ मारते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं जैसे सेल्फ लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका करंट आ रहा है, ये राइट साइड का स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, आप देख सकते हैं इग्निशन कॉइल पे, जो कि राइट साइड का, अभी लेफ्ट साइड का एसडी कॉइल है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ अभी
करंट आ रहा है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ करंट आ रहा है। उसके बाद चलिए मैं स्टार्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। और जानकारी कैसा लगा जरूर कमेंट करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुछ पूछना तो जरूर कमेंट करें। अब देख सकते हैं बाइक स्टार्ट भी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लगा सकते हो ऐसे करके, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को समझा दिया कैसे चेक करना है क्या है, मैं आप लोग को बता दिया। ये पुराना वाला कॉल अब देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुका है, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है दोस्तों, आप भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए बाइक अभी स्टार्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर को बहुत बार हम लोग सेल्फ मार दिए, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। और आप देख सकते हैं पुराना वाला CDI कॉल ये है, ठीक है। मैं नया वाला लगा चुका हूँ, पुराना वाला ये है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।